शिर्डी येथील द्वारकामाई वृद्धाश्रम येथे फ्रान्स येथील साईभक्त माथीजी यांच्या वतीने साई भजन संध्या तसेच अन्नदान कार्यक्रम पार पडलाय. याप्रसंगी या साई सुमरीन साई भजन कार्यक्रमात गायक मंगल सागर यांच्या सुमधुर भजनाने उपस्थित मंत्रमुग्ध झाले आहेत. याप्रसंगी द्वारकामाई वृद्धाश्रमाचे संचालक साईभक्त श्रीनिवास, हॉटेल KBS ग्रँडचे संचालक दिलीप वाकचोरे, TR माधवन, अभिनेत्री कोमल राजपूत यांनी या भजन संध्येला योगदान दिलंय. यावेळी अशा कार्यक्रमाने ऊर्जा मिळत असल्याचे वाकचोरे यांनी सांगितले. ओम सैराम. आज का जो आज अपना नया साल है 2022 और वो 2022 में पहला ही दिन, मतलब अभी ये 2 तारीख है, तो पहला ही दिन एक बाबा का भजन और ये जो रुद्राश्रम है ये तो बाबा का ही आश्रम है, क्योंकि इधर जितने भी लोग आते हैं उनको एक अच्छा घर मिलता है, अच्छा खाना मिलता है. और हमारे जो श्रीनिवास साहब जो है वो जो काम करते वो देख के इधर कोई आएगा एक दिन तो उसका जीवन में उसको कैसा जीना चाहिए वो सीखने को मिलता है. हम भी हर बार आते तो हमको भी बहुत अच्छा लगता. और जीवन ये जो लोग देखते तब पता चलता है अपना भी जीवन कैसा हो सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए. तो नए साल में हम सबको यही बताएंगे कि साईं बाबा के चरणों में हम सबके लिए आरोग्य और स्नेहत अच्छा रहना चाहिए. और आज हमको बहुत खुशी हो गया कि हमारे जो साई भक्त थे बाबा का जो हर पूरा जग में, अब ये फ्रांस से मिस्टर माथी, इनको बाबा ने क्या बताया होगा कि ये लोगों का सेवा करो, जो रुद्राश्रम है वृद्ध का सेवा करो, ये बाबा ने बताया. और बाबा के ही बताने से ये जो साई भक्त है ये इन्होंने बहुत बड़ा सेवा दिया है. आज शिरडी में माधवन ये भी साई भक्त आज हैदराबाद में है, लेकिन उनके वजह से इधर प्रोग्राम चल रहा है. ये साई का चमत्कार है. मैं सभी साई भक्तों को एक निवेदन करता हूँ, शिरडी कभी भी आएंगे तो ये वृद्धाश्रम में आइए, बहुत आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि ये बाबा का ही सेवा है, बाबा से ही चालू हुई. बाबा भी वही टाइम रुद्राश्रम में सेवा करते थे, सबको प्रेम देते थे, सबको एक प्यार देते थे, सबको इलाज करते थे, उदि और विभूति से सबका बीमारी नष्ट करते थे. यही है साईं बाबा का नगरी है. और आज हमारे मंगल सागर जी इन्होंने जो भजन किया तो वो तो बहुत इतना अच्छा गाते हैं कि सब साई मंगलमय हो जाते. ओम साई राम. मैं मंगल सागर अपने पूरे संगीत म्यूजिकल की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और TR माथुर साहब का धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि रुद्र आश्रम का ये सबसे बड़ा सेवा आप कर रहे हैं. और बड़ी मंगलमय कामना करता हूं. ओम साई राम. ओम साई राम. OSNEWS करिता प्रतिनिधी अभिजीत धाकरके, शिर्डी.